स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं राजस्थान की कुछ खास खबरें। राजस्थान की राजधानी जयपुर में लॉकडाउन का पूरी तरह से असर। जयपुर के सुभाष चौक थाना अधिकारी भूरी सिंह ने इंडिया न्यूज 28 के माध्यम से जनता को घर में रहने की अपील की और बाहर निकलने पर सरकार द्वारा दिए गए आदेश अनुसार सख्त कार्यवाही करने की बात कही। जयपुर से सैयद जाफर अब्बास तकवी की रिपोर्ट। जहां पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस को लेते हुए एक सतर्कता बरती जा रही है, वहीं जनता को जागरूक करने के लिए सुभाष चौक थाना इंचार्ज हमारे गश्त पे हैं और वो एक हम उनसे बात करेंगे और उनसे एक संदेश के माध्यम से कुछ जानना चाहेंगे कि जनता को किस तरीके से संयम बरतना चाहिए और इस ये जो कोरोना वायरस है एक महामारी के रूप में जिसे घोषित कर दिया गया है उसके लिए हमें इंचार्ज साहब से हम ये जानेंगे कि जनता को किस तरीके से घर में रहना चाहिए और क्या क्या उपाय हैं उसके लिए हम जानेंगे। मेरा सभी से निवेदन है, सभी जो आम पब्लिक है वो अपने घरों के अंदर है, बाहर नहीं निकले। विशेष परिस्थिति में कोई विशेष कार्य है उसके लिए ही वो भी उसके हर गली के अंदर सारी सूचना है, उस गली तक सीमित आए, पैदल आए और वो वहाँ पर सामान करें। सब्जी की कोई कमी नहीं है, फिर क्या भाई सब कुछ व्यवस्था है, वो हमको सहयोग करें और हमें खाली परेशानी आ रही लोगों को मान के देते हैं, मोटरसाइकिल लेकर के आते हैं जो कुछ भी जल्दी जाता है। तो इसमें कोई कार्रवाई की भी सर इसमें बात की गई अगर बाहर आते हैं सख्ती से कार्रवाई की जा रही है की जा रही है। सुभाष चौक थाना इंचार्ज साहब जो सबको यही संदेश दे रहे हैं कि अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। अगर जिस तरीके से लॉकडाउन पूरे इंडिया में है वहीं राजस्थान में भी जयपुर शहर में लॉकडाउन देखा जा रहा है और इंचार्ज साहब के माध्यम से यही संदेश दिया जा रहा है कि अपने घर में संयम से रहें, सुरक्षित रहें और विशेष कोई कोई परिस्थिति है तो उसमें बाहर निकलें, नहीं तो अपने घर वालों के लिए, अपने परिजनों के लिए कुछ समय अपने घर पर रहें। तो यही संदेश है, अगर इस दुनिया में रहना है तो कुछ दिन के लिए घर में रहना है। इंडिया न्यूज़ 28 के साथ सैयद जाफर अब्बास तकवी, जयपुर।